हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड साउथ अफ्रीका लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्कीम। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्कीम अगस्त 2 पर लॉन्च कर दिया है। नाउ व्हाट इज़ द की पॉइंट अबाउट दिस? तो सबसे पहली बात कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्कीम है एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रायल दैट इश्यू डिफरेंट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन ऑर्डर टू एक्सेस इफ दिस अलाउ ट्रांजेक्शन टू बी सेटल इन अ चीप एंड इजेयर मैनर्स। अगर आपकी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होती है तो वो क्रॉस बॉर्डर में पेमेंट सस्ते दाम में और इजी मैनर में हो जाता है। मैनी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड आर एक्सप्लोरिंग यूज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत सारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इसमें और डिजिटल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग करेंसी। ओके, आपके पास जो हार्ड नोट है उसी का ही फॉर्म होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन अ डिजिटल फॉर्म। नाउ कंट्री लाइक चाइना आर ट्रायलिंग रिटेल फोकस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दैट हैव बीन डिजाइन टू रेप्लिकेट कैश इन सर्कुलेशन। Now other countries are considered to use Wally Cell in order to improve the internal working of financial system। अगर आपके पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर करेंसी है इन डिजिटल फॉर्म में तो आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और सेंट्रल बैंक को पता भी होगा इसने कहाँ पर क्यों कैसे किस तरह से ट्रांजेक्शन किया है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर स्टिल इन अर्ली स्टेज एंड आर डोमेस्टिकली फोकस्ड बट द डेवलपिंग ग्लोबल रूल्स एंड फ्रेमवर्क ऑन हाउ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैन बी यूज इंटरनेशनली इज कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकली। अ सेपरेट BIS लेड प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इज ऑल्सो इन प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेंट्रल बैंक फॉर चाइना, हांगकॉन्ग एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Now, what is the aim of the central bank digital currency? The latest CBDC project was launched by state country with the aim of developing prototype share platform for cross-border transaction by using multiple CBDC. Developing prototype share platform for cross-border transaction के लिए use होता है। उसके बाद ये है कि significant, इसका महत्व क्या है? The new platform would avail the financial institute to transact directly with each other across CBDC. It will eliminate the requirement for intermediary and reduce the time and cost of transaction. The initial will also explore different technical governance and operating design. It will also publish its result in early 2022. This platform will also leapfrog the legacy payment arrangement and serve as the foundation for more efficient international settlement platform। में ये बहुत ही आसानी से यूज़ हो सकता है। इसकी मदद से आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लो हो सकता है और टाइम भी सेविंग हो सकता है। और अगर दो कंट्री के पास डिजिटल करेंसी है तो वो इंटरनली सेटलमेंट भी कर सकते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की मदद से। नाउ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या? वर्चुअल फॉर्मेट ऑफ फियाट करेंसी इन अ पर्टिकुलर नेशन और अ रीजन। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटली टोकन ऑफ ऑफिशियल करेंसी है। दिस करेंसी इज इश्यू एंड रेगुलेटेड बाय इट्स मॉनेटरी अथॉरिटी। जो भी रिजर्व बैंक होती है उसके द्वारा इसका मॉनेटरी होता है। तो ये था हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। अगर ये यूज़ हो तो टाइम भी बच जाता है और बहुत सारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और इजीली इंटर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यही था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।